चंडीगढ़, 10 जून। स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों की अनदेखी के चलते नगर निगम मेयर राजेश कालिया और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों ने मेयर राजेश कालिया और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 17 के सामने जमकर नारेबाजी की और मेयर राजेश कालिया की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। इस धरने के समर्थन में कृष्ण कुमार चड्ढा, प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन रंजीत हंस, प्रधान यूटीएसएस फेडरेशन प्रदीप सूद, प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन जीरकपुर नसीब जाखड़, प्रधान इंटक राकेश कुमार, अशोक कुमार प्रधान अन्य मौजूद रहे। चलिए आइए देखते हैं प्रदर्शन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रधान व मेयर राजेश कालिया ने क्या कहा। हमारे सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं, ये पिछले 10 दिनों से हड़ताल पे हैं और इनके साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है कि जो एक ये वाल्मीकि समाज से सारे ताल्लुक रखते हैं, सब वाल्मीकि समाज से आते हैं, पर आज के टाइम में जो शोषण हो रहा है तो सिर्फ वाल्मीकि समाज का हो रहा है, क्योंकि जितने सफाई कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज से आते हैं और हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। सिर्फ जो ये गरीब लोग हैं, जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, इनका 2 साल का एरियल है जो इनको अभी तक नहीं मिला। 2 साल हो गए इनको तनख्वाह बढ़े हुए, तो वो इनकी सैलरी अभी तक बढ़ के नहीं आई, तो ये बड़ी दुख की बात है। और तीसरा नंबर, अगर जो कोई अपने हकों के लिए आवाज उठाता है, कोई अपनी सैलरी के लिए बोलता है, तो उसको ये कंपनी लॉयन सर्विस लिमिटेड कंपनी उसको टारगेट बनाती है। तो हमारी एक अपना इस कंपनी को भी एक चेतावनी है कि वो अपना रवैया चेंज करे इनके प्रति, नहीं तो संघर्ष और तेज होगा। और हमारी इस प्रशासन से एक मांग है, डिमांड है हमारी प्रशासन से, मेयर साहब से, हमें पता है मेयर साहब हमारे वाल्मीकि समाज से हैं और हमारे हकों के लिए लड़ते हैं, सोचते हैं वो, पर हमारी आज उनसे रिक्वेस्ट है, मेयर साहब प्लीज आप एक बार इनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमें पता है आप काफी इनकी तरफ ध्यान देते हैं, पर इस टाइम ये लोग तंग हैं। आज इनकी सैलरी 15 से 20 तारीख हो जाती है, इनकी सैलरी नहीं आती। आप आइडिया लगा लो, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन कहाँ से उनको राशन पानी का कहाँ से करेगा, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सरकार के खिलाफ है, ये हमारा प्रोटेस्ट है जो अपना लॉयन सर्विस के खिलाफ है। हमारा लॉयन सर्विस के आज ये अधीन है, उनके कर्मचारी हैं, तो लॉयन सर्विस की जिम्मेवारी है वो आगे प्रशासन से कैसा पैसा ले, कैसे ना ले। अगर तो अगर आप मांगे नहीं मानी जाती तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद ही हमारा संघर्ष और तेज होगा, ये हमारा संघर्ष तेज होगा, रुकने वाला नहीं है। पर हमें अपने मेयर साहब से उम्मीद है कि वो आज हमारा कुछ ना कुछ हल जरूर करेंगे, तो हमारी मेयर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, इस प्रशासन से हमारी उम्मीदें हैं, कमिश्नर साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ जरा सोचो आप लोग कि आप 10-12 हजार में कैसे गुजारा कर रहे हैं। कंपनी नजायज इतना कर रही है कि कंपनी कारपोरेशन से अपना पूरा पैसा ले रही है, इनकी नजायज अफसेंटे भेजती है कंपनी। कंपनी कभी आके कारपोरेशन को नहीं अफसेंटे भेज रही, इतनी अफसेंट है, पर कंपनी इतना बेवकूफ बना रही है प्रशासन का भी कि चंडीगढ़ में हर शहरवासी का, कि वो अपना उल्लू सीधा कर रही है एक किस्म से। तो आज के टाइम में मैं ये कहूंगा कि लॉयन सर्विस कंपनी की चंडीगढ़ के अंदर एक गुंडागर्दी जो है यहां चल रही है। इनके समर्थन में जो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनके समर्थन में चंडीगढ़ की जितनी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियनें हैं वो सब इनका समर्थन कर रही हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, हर कोई समर्थन कर रहे हैं। और मैं भी ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ से प्रचार सेक्रेटरी हूं, उसके नाते मेरी भी सभी अपने जितने कर्मचारी हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लगे हुए हैं, मेरी उनसे भी यही अपील है कि प्लीज आप सब इनका साथ दें, क्योंकि ये आज इनके साथ दुविधा है, कल के आपके साथ भी है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या बीमारी है, ये बीमारी होगी ठेकेदारी। आप सरकार ने अपना मैडम किरण खेर जी ने कहा था कि मैं ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दूंगी, तो मैडम आप ये ठेकेदारी खत्म कर दो और इनको रेगुलर कर दो। हमारी तो यही सबसे बड़ी डिमांड है कि इनको पक्का। आपका नाम? मेरा नाम गुरचरण सिंह है। तो सर क्या कुछ प्रदर्शन जो चल रहा है नीचे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उनके विषय में एक बात है कि प्रदर्शन के अंदर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, मुझे लगता है सैलरी का बिल्कुल, उनकी सैलरी जो है वो 7 से जब दूसरे कर्मचारियों को मिलते हैं 7 तारीख को उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले 3 महीने में फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण हमारा बजट अप्रूव नहीं आता, जिसके कारण इन लोगों की सैलरियों में देरी हुई है।
लेकिन मेरा प्रयास है कि भविष्य के अंदर इन लोगों की सैलरी में कोई देरी नहीं होगी। इनका एरियर है वो भी तकरीबन कम हो चुका, लेकिन वो टेक्निकल वजह से रुका हुआ। उसके अंदर मैंने जब अधिकारी से पूछा तो इन्होंने कोई लेबर कोर्ट में केस किया हुआ, जिसके कारण ये थोड़ा सा मामला अटका हुआ। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि जैसे कि कंपनी वाले भी प्रशासन का मतलब कि पैसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन पर कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए आज भी कंपनी का 20 करोड़ रुपया हमारे पास ब्लॉक है, ये चीज इनको थोड़ा ना पता, क्योंकि पैसा हमने 20 करोड़ रुपया आज भी कंपनी का हम लोगों ने देना, तो वो कहां से इस्तेमाल हो रहा है? ये व्यर्थ बातें हैं, गलत बातें। अच्छा, और सर रेगुलर करने को लेकर के भी जो कहा जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको भी रेगुलर करके? नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी के अनुसार काम होगा, और जो मैं इनका बढ़िया कर सकता हूँ मैं करूँगा। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से चंद्र प्रकाश नीरज की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।